तो नाजिन आप ये देख सकते हैं, ये जिन्नातों की मस्जिद है और ये दो खंडों में बनी है समतल। देखिए नाजिन, ये गेट बना हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो एक जैसा ही इसका नक्श बना हुआ है। नक्शा चारों तरफ का देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये जिन्नातों का लाल बगला कहा जाता है। बहुत सी बारगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, आज हम कानपुर देहात के अमरौधा गांव में आए हैं और यहां पर अल्लाह के एक वली हज़रत मलिक चमन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक है, जो आप कैमरे में देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ही कदीम बारगाह है, इसका सिलसिला कालपी शरीफ के बुजुर्गान दीन से मिलता है। तो चलिए चल करके आपको इस बारगाह की ज़ियारत करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून है। बताया जाता है यहाँ पर जिन्नातों की एक मस्जिद भी है जो कि उसी दौर की बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको उसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। और भी यहाँ पर जिन्नातों से वाबस्ता और भी मुकाम है, मैं आपको उन सभी की ज़ियारत करवाता हूँ। तो चलिए चल करके देखते हैं। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये जिन्नातों की मस्जिद है और ये दो खंडों में बनी है, समतल भी है इसमें नीचे। ठीक है बाबा, दादा इसके नीचे भी नमाज पढ़ने का था मतलब। अच्छा, यानी उधर से बोला है, इधर से देखिए। अच्छा, ये देखिए कि ये ऊपर भी ये मस्जिद बनी है। क्या है, क्या नहीं है, क्या अल्लाह ही जानता है। बेशक बेशक, माशाल्लाह। किस दौर के हैं, क्या है, किसके हैं, कौन से अल्लाह वली हैं, सही वही जान सकते। हजरत मलक शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना है, इसके अंदर आपकी बारगाह इंशाल्लाह अभी चल के वहाँ पर भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। पहले चलिए आपको ये जिन्नात वाली मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं। जी का जी, ये भी कब्रिस्तान है। अच्छा, इसमें भी बारगाह बनी हुई है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये नीचे जो है मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही पुरानी है, अभी पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, खंडों में बनी हुई है, नीचे भी ऊपर भी। चलिए मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। कहाँ पर बने नक्शे? अच्छा हाँ, अच्छा। तो नाज़रीन देखिए, यहाँ पर भी कुछ बारगाहें बनी और बताया जाता है कि ये जिन्नातों की मस्जिद है जो कि दो खंडों में बनी हुई है। नीचे का जो खंड है वो अभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और लेकिन अभी ऊपर के कुछ बाकी हैं, पुरानी चीज़ें हैं, इन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्थाना है ये। अभी हम जिन्नातों वाली मस्जिद में हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी रेनोवेशन का काम यहाँ पर चालू हो गया है। तो चलिए नाज़रीन आपको बारगाह के अंदर चल करके ज़ियारत करवाते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पर और भी बारगाहें बनी हुई हैं और इसमें मलिक शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी आस्थाना बना है, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर छत नहीं है, बगैर छत के है ये आस्थाने, कोई छत नहीं है यहाँ पर। और चलिए अभी आपके यहाँ एक बुलंद दरवाज़ा बना हुआ जो कि दो खंडों में है, उसकी भी ज़ियारत करवाते हैं आपको। वो सामने बना हुआ है, अभी हम चल के आपको वहाँ पर भी ज़ियारत करवाएंगे, दिखाएंगे कि वो दो खंड में कैसे बना हुआ है। देखिए नाज़रीन, ये गेट बना हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो एक जैसा ही इसका नक्श बना हुआ है और ये दो खंडों में बना हुआ है। मैं आपको उस तरफ से भी दिखाऊंगा, इस तरफ से भी अभी दिखा रहा हूँ कि इस गेट की खासियत ही ये है कि ये दोनों तरफ से आपको एक जैसा दिखेगा। तो चलिए अभी इसमें जो दो खंड बने हैं हम वो दिखाते हैं आपको।
चलिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब चढ़ते आते जाते हैं। चलिए आपको मैं ऊपर, देखिए कितनी पुरानी दीवारें हैं, ये देखिए लखौरी ईंटें उस टाइम की लगी हुई हैं। आपको ऊपर चल के ज़ियारत करवाते हैं। दो खंडों में बना है, अल्लाह अकबर। देखिए एक खंड पर चल के हम आ चुके हैं, मरम्मत के लिए इतना पैसा नहीं है। देखिए इसकी हालत, इसकी हालत देखिए, खस्ता देखिए, इमारत तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ही खस्ता हालत में पड़ी हुई है। देखिए पूरी दीवारें जो है वो चटक चुकी हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बुलंद गेट है ये, और ये देखिए इधर के नज़ारे इस साइड से। और मैं आपको इधर से भी बारगाह की ज़ियारत करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत ही खूबसूरत बारगाह है ये, आप देख सकते हैं। ऊपर इसकी छत पे पहुंचते हैं, इधर उधर का नक्शा चारों तरफ का देखिएगा। नहीं बस यहीं तक रहो। तो ये नाज़रीन अब हम ऊपर आ गए हैं, देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। नाज़रीन आपको दिखा दूँ कि ये बारगाह का जो है वो एकदम किले नुमा बना हुआ है। ये जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया ये मेन गेट था, उसके बाद देखिए वो उस तरफ भी टॉम्ब गुम्बद बना हुआ है, और वो देखिए ये दीवार गई हुई है इधर से, वो वहाँ से भी दीवार है, उधर से भी दीवार है, और फिर पूछाओ चारों तरफ बारगाह की ये दीवार बनी हुई है जो कि इसको कवर्ड करती है इस बारगाह को, और ये बारगाह बगैर छत की है। तो नाज़रीन एक तरफ का व्यू हमने दिखाया कि उस तरफ से कैसा दिखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गेट दोनों तरफ से सेम दिखता है। तो अब मैं इसको बाहर साइड से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये बारगाह जो है, कि ये जो गेट है ये बाहर की साइड से किस तरह दिखता है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब आप देखिए गौर करके कि ये गेट दोनों तरफ से सेम दिखता है। पहले मैंने आपको उस तरफ से दिखाया, अब मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन कारीगरी है कि उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एक सेम गेट बना हुआ है। ये दो मंजिल का है, दो खानों में बना हुआ है। जो खाने अभी हमने आपको ऊपर जाके दिखाए भी थे, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा गेट जो है बनाया गया है इस गेट के बाद, नया गेट। हाँ सही है, वो गिरने की हालत नहीं है, चलिए नहीं गुजरेंगे तो कुछ सालों तक और चलेगी वो। हाँ तो वो और दिन चल जाएगा, सही है। नाज़रीन अब हम आपको जिन्नातों के लाल बंगला दिखाएंगे जो यहाँ बना हुआ है। इसका अंदर से इसका लीजिएगा नक्शा, इस नक्शे का हो सकता है नहीं। ये देखिए माशाल्लाह, ये जिन्नातों का लाल बंगला कहा जाता है। बहुत सी बारगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। तब एक साथ बिल्कुल कहीं आप यही नहीं कह पाएंगे किधर से क्या है। सही, चारों तरफ से ये बंगला एक साथ, अब तो ये लिमिटेड डलवा दिया गया है। नहीं पहले ऊपर वाला पट्टियों पर था, बिल्कुल लाल ही था। अच्छा हाँ, कहीं सफेद, ये अब तो बदलाव गया, सब पट्टियों की रखी हुई थी, पुराना हो गया है, इसके लिए चेंज करवाना पड़ा होगा। ये क्या, ये मस्जिद? ये नहीं, दालान। अच्छा दालान है, पुरानी दालान है, मस्जिद नहीं दालान है। ये सब ये भी जर्जर हालत में है, बैठ चुकी है, बैठ चुकी है।